कौन बनी काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सांसद? नया चेहरा आया है। नया चेहरा कौन? पवन सिंह। पवन सिंह? यस सर। यानी कि पवन सिंह के वोट जाए? हाँ एकदम। खाली राउर की राउर लड़का पाई का सबके? पूरा परिवार है। पूरा परिवार के वोट एक बार पवन सिंह के जाए? जी जी। अच्छा, बहुत सारा लोग कहता कि पवन सिंह के काहे जिताई, उधर नचनिया बजनिया है, गवैया है, ओकरा हम काहे जिताई? पवन सिंह कोची रहे शत्रुघ्न सिन्हा को जी, वो तो नचनिये रहे, हेमा मालिनी को जी रहे, वो तो नचनिये रहे, तो काहे जीत के अगले संसद में गई ना? जब वो जा सकले तो पवन सिंह काहे ना? ए रवि किशन कहीं से गया? रवि किशन, मनोज तिवारी सब का रहे? हां वो है रहा जो काम करे उसे पसंद करिए। कौन काम करेगा इस बार, किसके साथ खड़े हैं? कौन करेगा? पवन सिंह जी। पवन सिंह काम करेगा जीत के? पवन सिंह। अच्छा, बहुत लोग तो कहते हैं कि उन्हें चनिया बजनिया उनका विकास करी। भैया कंगना रनौत भी तो प्रोफेशनल है, वो बीच नाच करती है, क्यों खड़ा है वो? बीच खड़ा है, ये भी तो सोचिए ना। यानी कि पवन सिंह ना चनिया बजनिया हो चाहे कुछ हो, वोट एक बार पवन सिंह के जाए? भाई सपोर्ट पवन सिंह। चाचा जी, इस बार किसके साथ खड़े हैं कदम से कदम मिला के? कौन बनी काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सांसद? कौन बनी? पवन सिंह। पवन सिंह। इस बार वोट किसको जाएगा? वोट जाएगा उनका, पवन सिंह का। पवन सिंह को? अच्छा, पवन सिंह ही क्यों? अरे हारे या जीते उसी को देना है, उसी को देंगे हारे या जीते। इसलिए तो निर्दलीय से खड़ा है, हर बार में सबको लोग देखे, अगली बार पवन सिंह का ही देखना है। यानी कि इस बार जो है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पवन सिंह का ही लहर है? लहर है, पवन सिंह का ही लहर है, पवन सिंह को वोट जाएगा। हाँ। अच्छा, आपके आपके घर के बच्चे लोग किसको वोट दे रहे हैं? आपके घर के बच्चे लोग किसको? सब उन्हीं को देगा, पूरा परिवार पवन सिंह को? सब सब। तो हम लोग भी पवन सिंह के साथ रहेंगे। यानी कि आप भी पवन सिंह के कदम से कदम मिला के ही खड़े हैं? तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग गांधीनगर मोड़ पे जो मौजूद है, और यहाँ पे हमारे एक समोसा वाले भाई साहब का दुकान है, इनसे बात करेंगे कि अभी चुनावी माहौल है, इस बार क्या लग रहा है, कौन काराकाट लोकसभा क्षेत्र का सांसद बनेगा? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी देखा जा रहा है कि कौन कैसे क्या है, उसके बाद में बताया जाएगा। ऐसे तो अभी हवा जल रहा है पवन सिंह का, ठीक है ना, और उसके बाद में उपेंद्र कुशवाहा भी, दोनों आदमी लड़ाई में हैं, और आगे कौन क्या होता है वो तो मतदाता बताएंगे। आपका वोट किसको जाने वाला है, पवन सिंह को या उपेंद्र कुशवाहा को? हमारा वोट जाने वाला है उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा को जी। अच्छा, बहुत सारे लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी वो अपने बहुत सारे जो उनके वोटर जो है उनसे बहुत सालों से लगभग मिले भी नहीं है, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है, आपका इस पर क्या है? बात तो आपका भी कहना सही है, मिले नहीं है वो है, और नया युवा को सबको कह रहा है पवन सिंह को, पवन सिंह को, तो माना भी जा सकता है। यानी कि युवा का कहना है पवन सिंह को, युवा का वोट जो है इस बार उम्मीद है कि पवन सिंह को जाएगा? जी जी, जी। तो हो सकता है पवन सिंह का भी, अभी हम कह रहे हैं हो सकता है उस समय पवन सिंह का भी दिया जा सकता है। अच्छा, पवन सिंह जी यहाँ बगल में ही एक होटल है, यहाँ से लगभग 10-15 कदम दूर जी, जी। उसी होटल में ठहरते हैं जी, जी। अच्छा, उनके यहाँ पे आने से क्या लग रहा है, दुकान का बिक्री जो है थोड़ा बढ़ा है कि नहीं? अब तो चुनावी माहौल है, दुकानदार जाहिर से बात है दुकानदारी बढ़ना, क्योंकि सब पार्टियों वाले हमारे दुकान पर आते हैं, ऐसा नहीं कि एक पार्टी के ही आते हैं, तो दुकानदारी तो जाहिर से बात है सबका दुकान चलना चल रहा है चुनावी माहौल के चलते। थोड़ा चाहेंगे कि आप दुकान भी ध्यान दीजिए, देखिए उधर तक कुछ कस्टमर खड़े हैं। चाचा जी, इस बार क्या उम्मीद बना, क्या मन बना है, किसको वोट देना है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, कब वहाँ मूड बदलेगा, वोट का नाम जो अभी डगमगा रहा है, किधर जाएगा कोई पता नहीं, कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है, कोई को दिखा ही नहीं। हाँ चाचा, आप किसको वोट देने वाले हैं इस बार, क्या उम्मीद बना है, किसको मन बना है वोट देने का? इधर 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 चाचा इधर इधर, हमने कहा दिखाई ना कहीं नहीं जाता, हमने कहा वोट का कोची बतावल जा। अच्छा, आप पवन सिंह को अभी नहीं देखे हैं? कहाँ देखे हैं, फिल्मी में देखे हैं ना, फिल्मी के बाद फिल्मी के गोली मारी है। चाचा, आपका वोट किधर जा रहा है इस बार? तो देखिए कुशवाहा जी का, देखिए यही कुशवाहा जी का विकास है, यही है। इस बार वोट किसको जाएगा? वोट जाएगा उनका, पवन सिंह का। पवन सिंह को? अच्छा, पवन सिंह ही क्यों? अरे हारे या जीते उसी को देना है, उसी को देंगे हारे या जीते। इसलिए तो निर्दलीय से खड़ा है, हर बार में सबको लोग देखे, अगली बार पवन सिंह का ही देखना है, 5 साल की बात है। यानी कि इस बार जो है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पवन सिंह का ही लहर है? लहर है, पवन सिंह का ही लहर है, पवन सिंह को वोट जाएगा? हाँ। अच्छा, आपके आपके घर के बच्चे लोग किसको वोट दे रहे हैं? आपके घर के बच्चे लोग किसको वोट दे रहे हैं? सब उन्हीं को देगा, पूरा परिवार पवन सिंह को? सब सब टोटल। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि पवन सिंह जी निर्दलीय हैं, वो अगर इस बार जीतते हैं तो पैसा तो उनको नहीं चाहिए, तो पैसा कमाने के लिए वो इस लाइन में नहीं आ रहे, पैसा ऑलरेडी उनके पास है, वो सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से आ रहे हैं, आप क्या कहते हैं इसका? सेवा करेगा, जीत के भी क्या के सेवा की है,
कुछ नहीं किए, वो भी नहीं करेगा, लेकिन नया चेहरा को आना है यहाँ। यानी कि इस बार आप सब लोगों ने मन बना लिया है, बदलाव करना है, नया चेहरा को लाना है पवन सिंह को। हाँ भैया, आपका वोट किधर जा रहा है इस बार? हम लोग जब सारे समाज एक तरफ होंगे तो हम लोग भी पवन सिंह के साथ रहेंगे। यानी कि आप भी पवन सिंह के कदम से कदम मिला के ही खड़े हैं? अच्छा चाचा जी कह रहे हैं कि अभी हम पवन सिंह को देखे नहीं है तो हम क्या कहें? अच्छा चाचा जी पवन सिंह को देखेंगे तभी वोट डालेंगे? वोट तो नहीं है, ये तो बात नहीं है, तो उनको देखेंगे तभी डालेंगे। हमको ये देखना है तो भाई पहले पहले खड़ा है और मैं एथी से ही खड़ा है। अच्छा अभी पूरा काराकाट लोकसभा क्षेत्र में लगभग जितना भी गांव है हर गांव गांव में पवन सिंह घूम रहे हैं। निकलेंगे अगली बार, पवन सिंह निकल जाएंगे यानी कि जीत जाएंगे इस बार? हाँ अगली बार जीत जाएंगे। अच्छा भैया इस बार केकरा के वोट जाए, कौन बनी काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सांसद? नया चेहरा आया है। नया चेहरा कौन? पवन सिंह। पवन सिंह यानी कि पवन सिंह के वोट जाए? हाँ एकदम। खाली राउर की राउर लड़का पैका सबके? पूरा परिवार है। पूरा परिवार के वोट बार पवन सिंह के जाए? जी जी। अच्छा बहुत सारा लोग कहता कि पवन सिंह के काहे जिताई, उधर नचनिया बजनिया हा गवैया हा ओकरा हम काहे जिताई? पवन सिंह कोची रहे तो सिन्हा कोची, वो तो नचनिया रहे, हेमा मालिनी कोची रहे, वो नचनिया रहे तो काहे जीत के गेलिए संसद में गई ना? जब वो जा सकले तो पवन सिंह काहे ना? ए रवि किशन कहीं से गया? रवि किशन मनोज तिवारी सब का रहे? हां तो सब यानी कि विरोधी पार्टी जो ये बात कहता है कि पवन सिंह नचनिया बजनिया है, ये बात में कोई दम नहीं है? कोई दम नहीं है। पवन सिंह नचनिया बजनिया हो चाहे कुछ हो, ये बार वोट पवन सिंह जाएगा। पवन सिंह जाएगा। आइए आइए भैया, आइए आइए आइए। हां बोलो का उम्मीदवार है बार केकरा के काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सांसद बनाने के बाद? देखिए भैया 10 साल तो बर्बाद हो चुका है, 5 साल सोच समझ कर ही वोट करेंगे। आने वाला पीढ़ी जो हम लोग का काराकाट संसदीय क्षेत्र है उसको हम लोग को चाहिए। बेरोजगारी बहुत काफ़ी है तो लोग बेरोजगारी पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो स्पष्ट बात है बेरोजगारी के बारे में लोग सोचे। कोई भी नेता हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे राजा राम महतो हो, चाहे पवन सिंह हो, जितना तो किसी एक को है, क्यों ना हम बढ़िया लोग को वोट दें जो हमारे बीच अच्छा काम करे, हम उसी को वोट देंगे। इसीलिए हम किसी को जो है पसंद करें, जो काम करें उसे पसंद करेंगे। कौन काम करेगा इस बार, किसके साथ खड़े हैं? कौन पवन सिंह? पवन सिंह काम करेगा जीत के? पवन सिंह। अच्छा बहुत लोग तो कहते हैं कि उन्हें चनिया बजनिया उनका विकास करी। भैया कृषि का प्रोफेशनल लाइफ में क्यों दाखिल करें हम, उसका काम है, वो काम है, कोई भी काम करेगा अपने कर्मे करेगा। कंगना रनौत भी तो प्रोफेशनल है, वो इतना कुछ नहीं करती है, क्यों खड़ा है? वो भी तो खड़ा है, ये भी तो सोचिए ना। यानी कि पवन सिंह ने चनिया बजनिया हो चाहे कुछ हो, वोट एक बार पवन सिंह के जाए। आई सपोर्ट पवन सिंह। चाचा जी इस बार किसके साथ खड़े हैं कदम से कदम मिला के? कौन बनी काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सांसद? कौन बनी? पवन सिंह। पवन सिंह। अच्छा पवन सिंह का है क्या है आपका उचित है?